चलिए, आज का जो हमारा विषय है मेंटल इमेजरी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, 1 मिनट। चलिए, भाइयों और बहनों, मेंटल इमेजरी फॉर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस, अगर आपको ये थोड़ा भारी भारी शब्द लग रहा है तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हम अपने राजयोग अभ्यास में बाबा कहता है, बिंदु को देखो, बाबा को देखो, फरिश्तों की दुनिया में स्वयं को देखो, फरिश्ता बाबा को देखो, परम धाम को देखो, स्वर्ग को देखो। बस यही देखने के प्रोसेस को ही हम राजयोग की विधि कहते हैं, और इसी को यूज करके हमें स्पोर्ट्स में, जैसे जीवन में हम सफल होते हैं वैसे स्पोर्ट्स में भी हमको सफल होना है। तो क्या करना है उसका मैं आपको थोड़ा सा, लगभग आधा घंटा मैं उसका आपको साइंस बता देता हूँ, और उसके बाद हम 3 क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करेंगे। मेंटल इमेजरी का मतलब है मन के पर्दे पर देखना, इमेज क्रिएट करना, और उसका क्या फायदा हो सकता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करता। सो मेंटल इमेजरी फॉर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस, खेल के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ें या सफलता को पाएं। सो मेंटल इमेजरी इन लाइफ इज अ क्रूशियल टूल फॉर एनीवन्स पीक परफॉर्मेंस। जीवन में भी, जीवन के किसी भी क्षेत्र में भी, ब्राह्मण जीवन में भी अगर मुझे आगे बढ़ना है तो हमारा योग, योग में सोचना, देखना और महसूस करना, ये तीनों एक हो जाता है तो एकाग्रता की शक्ति आती है और हमारा आत्मिक बल, मनोबल बढ़ता है, और उस बल के आधार से जो बाबा हम चाहता है या फिर मैं जो चाहता हूँ ब्राह्मण जीवन में, वो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब इसका अर्थ क्या है? इट इज टैपिंग इन टू द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड इट इज लाइक रिलीजिंग अ ब्रेक। जो हमारे मन में, बुद्धि में, अंतर में जो विकृतियां हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, व्यर्थ संकल्प है, अनवांटेड थॉट्स हैं, या खुद के बारे में गलत फहमियां हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, बिलीव सिस्टम है, धारणाएं हैं मुझसे नहीं हो सकता है, ये सब ब्रेक को रिलीज करना, इसको हटा देना, आत्मा अपने संपूर्णता की स्थिति में आ जाए। इट अलाउज द माइंड एंड बॉडी टू वर्क इन ग्रेटर हार्मनी। कहते हैं, इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिकम इट। बताइए सतयुग कैसे आएगा? सतयुग में बाबा धरती पर आके ब्रह्मा बाबा को दर्शन साक्षात्कार करा, बच्चे ऐसी दुनिया की स्थापना करानी है, उसके बाद बाबा स्वयं को देखता था, मैं नारायण हूं। हम सब ब्राह्मण परिवार बहुत स्ट्रॉन्गली, अगर हम इसको इमेजिन करें, आएगा धीरे धीरे, एक साथ होके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर आएगा तब स्वर्ग आ सकता है, और उसके लिए हम अग्रसर हैं और हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो क्या है मेंटल इमेजरी? देखो, जैसे ये ब्रेन है, ये देख रहा है, मेंटल इमेजरी, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहते हैं मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन। इट्स अ सेंसरी फिनोमिना। ये सब अंदर ब्रेन में भी बहुत कुछ काम करता है, मन, बुद्धि, संस्कार, और फिर हमारा जो हार्डवेयर है, यू एक्सपीरियंस इन द थिएटर ऑफ योर माइंड। मन के पर्दे पर जैसे हम चित्र बनाएंगे, जैसे हम महसूस करेंगे, वो सब रियलिटी में हो सकता है। अब ये कैसे संभव है? ये सोचने से सब कुछ हो सकता है क्या? आप पूछ सकते हैं, क्या मैं सोचूं कि मैं अगले गेम में जा रहा हूं और मैं जीत जाऊंगा, अगला मैच मैं जीत जाऊंगा, अगला कंपटीशन में मैं जीत जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सब बस सोचने से हो जाएगा क्या? तो क्या है उसके पीछे का विज्ञान, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कहते हैं, ये दिस इज अ फैक्ट, मेडिकल साइंस ये कहता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट एंड द वन दैट इज क्लियरली इमेजिन्ड। अगर मैं आपको कहूं, मान लीजिए, अब मैं इसको जरा
शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ। आप अपना वीडियो अगर ऑन करें तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, ठीक है? अच्छा, ये कोई छोटी बच्ची भी बैठी है, वंडरफुल, इनको बहुत काम आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। मान लीजिए कल रात को नींद में गिरीश भाई ने, अच्छा प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? अपने आप से करता है या दूसरों से करता है? अपने अपने आप से करता है। बहुत अच्छा हरिनाथ आपसे भाई, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है, नंबर वन। नंबर टू, अपने आप से जब हम बातें करते हैं तो उसमें इमेजिनेशन ज्यादा होता है या रियलिटी ज्यादा होता है? इमेजिनेशन इमेजिनेशन ज्यादा होता है गौतमी बहन, टू गुड, ठीक है, अच्छा, इमेजिनेशन। हाँ, इमेजिनेशन, वेरी गुड। दीदी ओम शांति, हमारे जगतपुर की बहन भी बैठी हुई है, उड़ीसा की, वंडरफुल। अच्छा, इमेजिनरी सेल्फ टॉक, जब हम अपने आप से सबसे ज्यादा काल्पनिक बातें करते हैं, उस काल्पनिक बातों में नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है या फिर पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है? ब्राह्मणों, हाँ जी, बाहर के लोगों के या बी के मोस्टली बाहर के लोगों का बताइए, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का बताइए। हाँ, टेंड टू बी नेगेटिव। मोस्टली टेंड टू बी नेगेटिव। ये छोटी बच्ची, बेटा आपका नाम क्या है? आरवी है, आरवी, कौन से क्लास में पढ़ते हो? पढ़ती फोर्थ में। और कहाँ पे रहते हो? हूँ। मैं लिंगमपल्ली हैदराबाद में रहती हूँ। अरे वाह जी वाह, लिंगमपल्ली हैदराबाद में, ठीक है जी, मैं आपके घर आ जाऊं? वाह वाह वाह, हम आपके साथ खेलेंगे। आप क्या खेलते हो, क्रिकेट? खेलती कौन सा, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, लॉन बैडमिंटन? टेनिस। क्या बात है, ये तो फिर हम हारने के चांसेस ज्यादा हैं जी लॉन टेनिस में, ठीक है ना, आप जीतेंगे कि मैं जीतूंगा, मैं जी सकती। ये हुई ना पॉजिटिव थिंकिंग, वंडरफुल, ठीक है। तो आरवी बेटा, ये बताओ कि मान लो आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम के पहले थोड़ा डर लगता है, कैसे विचार आता है, कम मार्क्स मिलेगा वाला ज्यादा विचार आता है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे विचार ज्यादा आता है? अच्छे मार्क्स मिले। तो फिर डर किस बात का आपको? अच्छा, आपके फ्रेंड्स के कैसे विचार आते हैं, नेगेटिव नेगेटिव विचार ज्यादा आते होंगे या पॉजिटिव आते होंगे? आप तो बाबा के बच्चे हैं। नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा आता है, ठीक है, चलो। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, जनरली लोगों में ऐसे पाया गया है, मनुष्य सबसे पहले अपने आप से ज्यादा बातें करता है, नंबर टू इमेजिनरी सेल्फ टॉक ज्यादा होता है, नंबर थ्री उसमें नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है, ठीक है। सो यस्टरडे नाइट इन माई स्लीप मैंने एक सपना देखा। अब सपने में मैंने देखा, जनरली एक नेगेटिव सपना था, क्या करें जी, नेगेटिव सपने में मैं देखा कि एक डॉगी मुझे काटने को आ रहा है। तो अरवी बेटा बताओ, गिरीश अंकल क्या करेंगे? वहां से भाग जाएंगे। बिल्कुल, कहां से भाग जाएंगे? जहां पे डॉगी काटने के लिए भाग रहा है ठीक सपने है, अब ये डॉगी कहां पर है? में। वंडरफुल, शी इज अ स्मार्ट चाइल्ड। मैं ये पूछना चाहता था भाई, कहां भाग रहे हैं? सपने में गिरीश भाई भागेगा, है ना, सपने में ही डॉगी है, और रियल में गिरीश अंकल क्या कर रहे हैं? सो सो रहे हैं, बेड में हूँ, रियल में मैं बेड में हूँ लेकिन सपने में भाग रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो, मैं तो इतना अच्छा स्पोर्ट्स, पता नहीं अभी भाग पाऊंगा नहीं भाग पाऊंगा, मान लो 10-15 सेकंड के बाद डॉगी ने मेरे को काट लिया, ठीक है। अब जब डॉगी मुझे काटेगा, कहाँ पे, सपने में या रियल में? सपने में सपने में।
तो बताइए गिरीश भाई को दर्द होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, फीलिंग फीलिंग दर्द की होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ, यही तो सारा खेल तो फीलिंग का ही है। अच्छा, उस वक्त गिरीश भाई को पसीना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा अच्छा, मेरा हार्ट बीट बड़ा होगा कि कम, नॉर्मल होगा? बड़ा होगा। वंडरफुल, ये बच्ची बहुत स्मार्ट है फोर्थ स्टैंडर्ड में। फोर्थ स्टैंडर्ड मतलब 8 ईयर्स के हो आप? मैं 9 इयर्स की हूँ। 9 ईयर्स के हो, वंडरफुल, वेरी क्लोज। अब बच्चे ये समझना है कि हमारा जो ब्रेन है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना अरवी बेटा, प्लीज समझना, इमेजिनेशन और रियलिटी को अंतर नहीं क्लियर कर पाता। गिरीश भाई सपने में दौड़ रहा था, गिरीश भाई सपने में डॉगी ने मुझे काटा, गिरीश भाई को सपने में दर्द हुआ, गिरीश भाई को सपने में डर लगा, लेकिन उस वक्त जैसे ही डॉगी ने मुझे काटा, मेरी नींद खुल गई और मैंने कहा बाबा बचाओ। और जैसे ही आंख खुली मैंने देखा पंखा घूम रहा है, मैंने कहा पंखा कहाँ से आ गया, अभी तो डॉगी था जी। पंखा, ओ माय गॉड, बाबा का लाइट जल रहा है। मैंने कहा पंखा, ओ हो, ये तो मैं सपना देख रहा था। बेडशीट्स में से हमने अपने पांव उठाकर देखी, थैंक गॉड, थैंक्स बाबा, दिस वाज जस्ट अ ड्रीम, दिस वाज नॉट रियलिटी। उस वक्त संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करे, बीपी चेक करे, हार्ट बीट चेक करे, एड्रेनल सीक्रेशन चेक करे, कॉर्टिजोल चेक करे, क्या बोलते हैं हमारा जो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन चेक करे, तो पाया जाएगा ये सब हाई होगा। इसका मतलब, लेकिन ओरिजिनली में तो गिरीश भाई नहीं भाग रहा था, मैं तो सो रहा था जी। पसीना किसने छुड़वा दिया, हार्ट बीट किसने बढ़ा दिया, डर किसने फील करा दिया? तो कहते हैं द ब्रेन, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको नहीं समझ में आता, ठीक है? तो इसका हमको फायदा उठाना है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट एंड द वन दैट इज क्लियरली इमेजिन। द ब्रेन हैज सिमिलर न्यूरल एक्टिविटी व्हेन यू इमेजिन परफॉर्मिंग अ स्किल एज व्हेन यू फिजिकली परफॉर्म इट। आप एक्चुअली में करिए या फिर ब्रेन मन में सोचिए, तो ब्रेन का सेम एक्टिवेशन। मान लो मैं खाना खा रहा हूं, तो ब्रेन का जो एरिया एक्टिवेट होना है स्पून से, थाली से उठाकर खाने के लिए, अगर मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं तो भी वो एरिया एक्टिवेट होगा। तो हमको इसका बेनिफिट उठाना है। योर ब्रेन कैन गेट एक्चुअल प्रैक्टिस विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग मोर देन इमेजिनिंग यू आर परफॉर्मिंग। मैं सतयुगी घराने की देव आत्मा हूँ, बहुत पवित्र हूँ, बाबा मुझे गले लगा रहा है, बाबा मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा है, प्लीज फील करिए। उसका फायदा होता है। न्यूरॉन्स इन द ब्रेन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मीनिंग दैट दे क्रिएट अ न्यूरल पाथवे इन द ब्रेन दैट मेक्स एन एक्शन ईजियर टू डू। अर्थात जो मैं करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं, वो बस मुझे फील करना है कि मैं ऑलरेडी हूं, तो वो वही चीजें एक्टिवेट होगी और वो मुझे प्रैक्टिकल जीवन में, यथार्थ जीवन में आसान हो जाएगा। अच्छा, सिक्स वेज योर ब्रेन कैन नॉट डिस्टिंग्विश रियल फ्रॉम इमेजिनरी। क्या कोई बता सकता है ऐसी कौन सी 6 चीजें जिसमें ब्रेन अंतर नहीं पता लगा सकता है कि ये रियल हो रहा है या इमेजिनरी हो रहा है? कोई गेस कर सकता है? देखते हैं। ड्रीम, ड्रीम? नहीं, ड्रीम तो ठीक है, मैं ऐसे ही बैठ के भी ड्रीम कर सकता हूं ना, आंखें खोलकर, उसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। मैं क्या चीज ड्रीम करूं या रियल में करूं, ऐसी 6 चीजें हैं, ब्रेन को नहीं समझ में आता आप रियल में कर रहे हो या इमेजिनरी कर रहे हो। अरवी बेटा आप भी बोल सकते हैं और भी लोग ट्राई कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओम शांति भाई जी। लाइक इन अ सिचुएशन में नीड समथिंग, हम कुछ खा रहे हैं, रियल में खा रहे हैं, लाइक लेमन हम खा रहे हैं, ठीक है,
इमेजिनेशन में लेमन को स्क्रीज कर रहे हैं अभी टंग पे, तो इन द बोथ केसेस द सलाइवा विल सेक्रीट, आई थिंक वो फैंटास्टिक. हु इज डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में सारे हु इज दिस ब्रदर? विजय भाई जी, विजय बीके भाई, विजय। एब्सोल्युटली करेक्ट. वाह, ब्राह्मणों को एक्चुअल समोसा खा करके अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की जरूरत नहीं है. बस आप सोचो, मेरे थाली में समोसा और ब्रह्मा भोजन रखा है और मैं उसको खा रहा हूं और ये एक्टिवेट हो रहा है. एक्चुअली यस, फैंटास्टिक, यू आर क्लियर. बस ब्राह्मणों को डर. अच्छा, डर नहीं, डर तो ठीक है, डर इज एन इमोशन, क्या हम करें. हाँ चलिए विजय भाई, यू आर एब्सोल्यूट राइट. वन यू हैव सेड, और भी 5 चीजें चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है ना. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने. छह चीजें हैं और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और इस पर काफी रिसर्च भी हुआ है. पहला चीज है जिसको हम कहते हैं बिलीफ, मान्यताएं. और जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहा, मान लो गिरीश भाई, बाबा गिरीश जी हैं, और मैं किसी अपने फॉलोअर को मिला, उसको मेरी मेरे ऊपर बहुत आस्था है, बहुत बिलीफ सिस्टम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने उनको एक छोटी सी पुड़िया भस्म, उसमें कुछ नहीं है, और मैंने इनको कहा ये खाने से आप ठीक हो जाएंगे, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं. कैंसर पेशेंट्स पे ऐसे रिसर्च किया गया, उनको कहा ये दवाई का लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, ये दवाई, बहुत सारे इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये दवाई से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी. एक्चुअली उसमें कोई दवाई नहीं था, वो जस्ट इट वॉज जस्ट अ शुगर पिल, और वो व्यक्ति ने खाया और उसका कैंसर ठीक हो गया. बिलीव सिस्टम, बाबा हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम कर. बिलीफ सिस्टम बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे. पिछला मैच में हार गया, मैंने एक बिलीफ बना लिया, बचपन से लेकर अभी तक मैं कोई टूर्नामेंट जीता ही नहीं हूं, अभी भी नहीं जीतूंगा. आप बस बोल रहे हो, ब्रेन को नहीं समझ में आता है, और हो सकता है यू आर द बेस्ट प्लेयर इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट, फिर भी आप नहीं जीत पाओगे. क्यों? क्योंकि ब्रेन अब आपको वो करने नहीं देगा, आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने नहीं देगा, वो एक्शंस में आएगा ही नहीं. उदाहरण अरबी बच्चे के लिए मान लो, इसीलिए कहते हैं जो आप चाहते हो वो मैं हूं. मान लो अरबी बच्चे का कल एग्जाम है, मान लो मैथमेटिक्स का एग्जाम है, और एग्जाम वो पढ़, अरबी बच्चे नहीं, दुनिया वालों के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, अरबी बच्ची तो बाबा की बच्ची है. अब वो बच्चा पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, चाहता है कि वो उसमें अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन वो यहाँ पर इमेजिनेशन में क्या सोच रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, बचपन से मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा है मैथमेटिक्स में, तो मेरे को घबराहट होती है, मेरे को तो वो टीचर ही अच्छी नहीं लगती, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जिसने बनाया है ना, दिमाग खराब करके रख दिया. ये मेरा बिलीव सिस्टम है अबाउट मैथमेटिक्स. अब मैं कितना भी पढ़ाई कर लूं, कितना भी एक्शंस कर लूं, कितना भी अच्छा कर लूं, यस दैट एक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट इट विल नॉट बी वेरी इजी टू गेट गुड मार्क्स एग्जामिनेशन में. अब ब्रेन को क्या मैसेज गया, कुत्ता था नहीं, गिरीश भाई भाग नहीं रहा था, गिरीश भाई को किसी ने काटा नहीं, लेकिन डर की फीलिंग आ गई, बीपी बढ़ गया, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया. अब मैं क्या सपने में, इमेजिनेशन में, राजयोग मेडिटेशन में, विथ योगा, विथ मैथमेटिक्स, डिफिकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक है, कम्बर्सम है, इजी नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है, भगवान मुक्ति दे दे मैथमेटिक्स से, और अब मैं एग्जामिनेशन आता हुआ सम्स भी नहीं आएगा. क्यों ना, द ब्रेन विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेइंग मैथमेटिक्स डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट. पवित्रता इज इजी, टूर्नामेंट में जीतना इज इजी, हम करेंगे मेडिटेशन. नंबर टू, स्ट्रेस. रियल में कुत्ता काटने को आए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, फ्लाइट फाइट मोड में आ जाओ, और मैं बस बैठ करके इमेजिन करूं सपने में, कहीं कुत्ता आके काट ना ले, कहीं कुत्ता आके काट ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई आकर मुझे परेशान ना कर ले, मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए. फ्लाइट मिस होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मेरे पसीने छूटने लग जाएंगे, इवन विद एन एयरपोर्ट ऑफ 19 डिग्री टेम्परेचर, एसी चल रहा है, मेरे को पसीने छूट रहे, रियल में कुछ है ही नहीं, बस सोच सोच के. वेन आई एम अंडर स्ट्रेस इन रियालिटी और इन इमेजिनेशन, द सेम हॉर्मोन्स विल गेट सीक्रेटेड, द ब्रेन विल क्रिएट दोस रिस्पॉन्सेस ऑफ फ्लाइट फाइट
फ्रीज मोड. नंबर थ्री, ओ दिस इज इंटरेस्टिंग, बाबा इसका मदद करता है, दैट इज काइंडनेस, लव, लव हग कडल, यू नो, इसको इसका हार्मोन का नाम है ऑक्सीटॉक्सिन. आप सचमुच में, मान लो मेरे पास एक पेट एनिमल है घर में, मैं उसको प्यार करता हूं, जो अच्छी फीलिंग आती है, जो जो गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं. अगर मैं बैठ के सोचूं ऐसे, भामा मुझे गले लगा रहा है, ब्राह्मण परिवार मुझे बहुत प्यार कर, संसार का हर व्यक्ति मुझे प्यार करता है, मैं सबसे प्यार करता हूं, फील करो उसको. इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में समर्पित भाई बहनों में किसी देहधारी के प्रति वो आकर्षण, क्योंकि प्यार चाहिए ही नहीं हमको, बाबा और इमेजिनरी प्यार से हमारा वो सब क्या बोलते हैं, वो भरपूरता की अनुभूति, संपन्नता की अनुभूति हमको चाहिए 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 ही नहीं है, इमोशनल प्यार चाहिए ही नहीं है. एंड दिस इज व्हाई आप देखो बाबा के बच्चों में, देखो वो देने की भावना है, दादियों ने कितना प्यार दिया जी, अब उनके पास कहां से है. ब्रेन विल सीक्रेट, वो ऑटोमेटिकली फील होगा आपको दादियों से प्यार, बड़ों से प्यार. जैसे विजय भाई ने कहा, नंबर फोर्थ ईटिंग, ये सबसे बड़ा ब्राह्मणों के लिए गिफ्ट हो सकता है. हाँ ये अलग बात है कि स्थूल कर्मेंद्रियों का सुख प्राप्त नहीं होगा गुलाब जामुन खा के. मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट करिए, B12 की कमी है, B12 की कमी होती है क्योंकि वो वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता है, से फॉर एग्जाम्पल चीज में, मिल्क में है. आप सोचिए, भल मत खाइए क्योंकि आजकल दूध में बहुत मिलावट है. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग मिल्क, चीज, दही, मक्खन, ऑल दोस थिंग्स. तो लेकिन प्रोडक्शन इतना कम है, लेकिन डिमांड इतना ज्यादा है, सो देयर इज वेरी हाई अडल्ट्रेशन. सो से फॉर एग्जाम्पल गिरीश इज नॉट वेरी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, सो आई विल नॉट हैव इट, मैं लेता नहीं हूँ. अच्छा अब मेरे को तो प्रोटीन चाहिए तो मैं पनीर लेता हूँ, क्या कर सकते हैं जी. अब पनीर किससे बना, क्या बना पता नहीं है. एक तो बाबा कहता है, देखो बाबा कितना वंडरफुल है, बाबा कहता है दृष्टि दो. क्या कर रहे हैं जी दृष्टि में, आप अपने इमेजिनेशन में बाबा की किरणें आ रही है, ये खाना स्वस्थ बन रहा है, पवित्र बनना है, इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो रही है. यू आर जस्ट इमेजिनिंग इट, इट विल वर्क. मे बी यू कैन ट्राई, 6 महीना ट्राई करिए हर दिन. B12 देखिए वेजिटेरियन डाइट में कौन, पालक में B12 है, क्या बोलते हैं मशरूम्स में B12 है, ऐसा मुझे किसी ने बताया. जो भी चीजें हैं उसको इमेजिन करिए, मैंने भोग लगाया है, बनाया है, उसमें बहुत ज्यादा B12 की क्वांटिटी है, मैं उसको खा रहा हूँ, खा रही हूँ, मैंने टेस्ट कराया है, मेरा ब्लड रिपोर्ट में B12 इज नॉर्मल, इट विल वर्क. नंबर फाइव, नाउ एक्सरसाइज वालों को, एक्सरसाइज वालों को देखो हर, सॉरी स्पोर्ट्स वालों को हर चीज में फायदा होगा. बिलीफ, मैं जीत सकता हूँ. स्ट्रेस, जब मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ आई एम कंफर्टेबल एंड ईजी, इट विल वर्क. Kindness, I love the game. I love to compete. I love to do exercises. I love to, do hard work. Eating, diet, number five, movement. जिस प्रकार का शॉट आप मारना चाहते हो, काफी स्ट्रोक पेशेंट्स पर इस पर रिसर्च किया गया. मैं बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वैसे है इसके पीछे का साइंटिफिक ये वेबसाइट्स में. जो स्ट्रोक पेशेंट्स थे उन, अब उनका हाथ ही नहीं हिल रहा है भाई क्योंकि स्ट्रोक हो गया है. उनको कहा गया आप मन में इमेजिन करो, योर हैंड इज मूविंग, योर हैंड इज मूविंग. मैं ईटिंग का बताता हूं, स्पिनुला करके एक एरिया होता है ब्रेन में दैट इज रिलेटेड टू सेंसिंग, फीलिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईटिंग, वो सब एक्टिवेट हो जाता है. आप B12 की चीजें खाओ, गुलाब जामुन ऐसे सपने में मतलब इमेजिनरी खाओ, वो सब एक्टिवेट से राइट जूसेस रिलीज होंगे, आपको खा करके खुशी की अनुभूति नहीं होगी, ऐसे योग से खुशी की अनुभूति, योग से सब अनुभव कर सकते. मूवमेंट, वो एरिया मूवमेंट हो जाता है जहां पर आप एक्चुअली सोच रहे हो. ये स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो एक शॉट मारना है, मान लो स्मैश मारना है या फिर किसी स्मैश को उठाना है, वो आप इमेजिन करके योर बॉडी विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर. एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ इज इम्यून सिस्टम. कैंसर पेशेंट्स पर रिसर्च किया गया और ये पता लगाया गया जो व्यक्तियों को
हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है, हम ये दवाई ले रहे हैं, ऐसा इमेजिनेशन कराया, मेडिटेशन कराया, उनका टी सेल्स बढ़ गया, उनका इन्फेक्शन रेट कम हो गया, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा दवाई खाते हैं तो उसका भी असर होता है शरीर में। तो ना खा करके सिक्स चीजें गिरीश बहुत अच्छी तरह भाई, किया टी करता सेल है। क्या होता है? अच्छा, टी सेल आर सर्टेन सेल्स इन द बॉडी विच फाइट्स अगेंस्ट जो भी वायरस वाले जो सेल्स होते हैं या वायरसेस होते हैं, दे आर लाइक फाइटर्स। अगर पाकिस्तान आर्मी इंडिया में आएगा तो इंडियन बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको टैकल करेगा, ऐसे ही टी सेल्स होते हैं बॉडी के काइंड ऑफ अंदर। मतलब एंटीबॉडीज जो हाँ, डेवलप होती है, काइंड एंटीबॉडीज, ऑफ। बिल्कुल ओके करेक्ट। ठीक है, तो ये छह चीजें याद रखिएगा और या राजयोग में भी इसको एम्प्लाई करिए। अब इसका मैं प्रैक्टिकल आपको उदाहरण देता हूँ। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, बीजिंग गेम्स में माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल कमाए। 200 मीटर बटरफ्लाई में ही वॉज गोइंग टू ब्रेक। संसार में इसके पहले एक ही ऐसा खिलाड़ी था जिसने मैक्सिमम गोल्ड मेडल कमाया था इन ओलंपिक्स, आई थिंक इट वॉज 8 to 10 गोल्ड मेडल्स, और माइकल फेल्प्स वॉज ट्राइंग टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड एंड ही वॉज गोइंग टू बी नंबर वन नाउ। 200 मीटर बटरफ्लाई में माइकल फेल्प्स ने जैसे ही छलांग लगाया, ये आप वीडियोस भी है लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, वो गॉगल्स लीक हो गया उसका, छे मतलब पानी अंदर चला गया। सो ही रिलाइड ऑन द फील ऑफ हिज इमेजरी टू नो वेयर ही वॉज एंड सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक व्हेन एंड हाउ टू स्ट्रेच फॉर द फिनिश। और जब वो 50 मीटर्स तक थे, जो लेन वन वाला खिलाड़ी था ही वॉज अहेड, 100 मीटर्स तक भी लेन वन वॉज अहेड, बट 100 मीटर के बाद 150 एंड 150 के बाद तो ही हैड अ वेरी रिमार्केबल क्या बोलते हैं गैप, एंड ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उसने 200 मीटर बटरफ्लाई में। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, और ही बिकेम नंबर वन ओलंपियन टू हैव मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड मेडल, एंड 2008 में उसने 8 गोल्ड मेडल। और माइकल फेल्प्स को पूछा गया तो ही सेड उन्होंने इस घटना को, वर्स्ट सिनेरियो को इमेजिन किया 10,000 बार, ऐसे ही बैठे हैं, एक्चुअली वो जंप नहीं कर रहा लेकिन वो सोच रहा है कि मैंने जंप किया, गॉगल्स लीक हो गया, इतने में मैं ये मेरा स्पीड होगा। सो इट वर्क्स। नंबर टू, जैक निकल्स वेरी फेमस गोल्फर। मैं अभी दुर्गापुर में इंडियन आर्मी का प्रोग्राम कर रहा था, वहां भी मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था, उसमें दो, वन वॉज अ मेजर जनरल, वो लोग इट्स एन एलीट स्पोर्ट, उसने कहा ओ सर व्हेन यू स्पीकिंग अबाउट जैक निकलस आई वाज एबल टू रिलेट टू। मैं कैसे? तो जैक निकलस कहता है आई नेवर हिट अ गोल्फ शॉट नॉट इवन इन प्रैक्टिस। आज भी बाबा ने कहा, आज कहा मुरली में, कल कहा हर कार्य, हाँ आज वरदान में था शायद, हर कार्य के पहले आदि मध्य अंत, या देखो फिर कर्म करो, पहले ही प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मान लो घर से बाहर जा रहे हो, आज मेरा निर्विघ्न होगा, यात्रा सफल होगा, बहुत अच्छा होगा, कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आजू बाजू के पड़ोसी बहुत अच्छे होंगे, डिवाइन होंगे, ज्ञान को सम, बिलीव मी इट वर्क्स। मेरे, मैं तो अभी काफी, मैं यात्रा कर रहा हूँ तो काफी वर्क, कभी कभी नहीं भी करता है ड्रामा अनुसार बिकॉज ऑफ कर्मों का हिसाब किताब, बट मैं अभी मुंबई से 11 तारीख को, नहीं 11 नहीं 10 तारीख को निकला, मॉर्निंग 3:15, 3 o'clock उठ के 4 o'clock निकला, इट वॉज रेनिंग वेरी हेविली, मुंबई वॉज फ्लडेड, और मेरा 6:45 की फ्लाइट थी, 5:45, 5:42 को मैं पहुंचा, पानी के मतलब रोड में पानी भरा हुआ, मॉर्निंग 4 o'clock, हमारे गाड़ी के अंदर पानी, मेरा बोथ द शूज गीले हो गए। मैंने बाबा को याद किया, बाबा ये आपका प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें लेफ्टिनेंट जनरल वॉज एंड द वाइफ वॉज गोइंग टू सिट फॉर 2 full day प्रोग्राम, टू लेफ्ट वन लेफ्टिनेंट जनरल, 2 major general, 8 ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर, सब उनकी वाइफ, 2 दिन बैठ के उन्होंने सुबह सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, 9 बजे से 12:30 बजे तक। मैंने कहा बाबा आपका प्रोग्राम है, आप जानो, आपका काम जाने, हमने उसके ऊपर डाल दिया। बिलीव मी, वो ड्राइवर भाई ने कैसे गाड़ी चलाया, कितनी गाड़ियां बंद पड़ी थी, गाड़ी के अंदर पानी, कैन यू बीट इट। सो जैक निकलस कहता है मैंने कभी भी यहां पर बिना प्रैक्टिस किए शार्प पिक्चर इन माई हेड, मैंने देखा कि मैं बॉल को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं कौन सा पद पाना चाहता हूँ, मैं आज का जीवन में क्या क्या देखना चाहता हूँ, देन आई सी इट गोइंग, मैं देखता हूँ बॉल जा रहा है, ट्रेजेक्टरी लैंडिंग, एंड द नेक्स्ट सीन शोज मी मेकिंग द स्विंग, और मैं ये भी देखता हूँ कि मैं कैसे शॉट मारा, हर चीज को करो। लैनी बैशम इज एन ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर, दो आई कुड नॉट एक्चुअली गो,
जिस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप था सियोल में, वो एक्चुअली जा नहीं पाए प्रैक्टिस रेंज में, शूटिंग रेंज में, लेकिन उन्होंने अपने कमरे को स्टिमुलेटेड शूटिंग रेंज बनाया, 2 to 4 hours प्रैक्टिस। वैसे ही ड्रेस पहनते थे जैसे कि रियल में, ऐसा नहीं कुर्ता पैजामा पहन के कर रहे हैं, रियल में। एंड द ब्रेन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग, और आपका एक्शंस में वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अमेरिकन डाइवर ग्रेग लुगैनिस, अगर आपने इनका भी अगर वीडियो देखा हो, मेरे को याद आता है बचपन में मैंने देखा था, जब ये डाइव कर रहे थे तो इनका जो सर था वो जो डाइविंग बोर्ड के पीछे लगा, एंड इट वॉज सो क्लोज ड्यूरिंग द 9th डाइव इन द 1988 सियोल समर ओलंपिक्स। ही हिट द हेड ऑन द डाइविंग बोर्ड एट 65 to 70 miles per hour ऑन हिज वे डाउन इनटू द वाटर। ही सफर्ड अ कंकशन विद अ गैस्प वर्दी इंसिडेंट। उसको यहाँ चोट लग गई थी बहुत जोर से। 1 मिनट, लोगन स्टोल द डॉक्टर, स्टिच इट अप, आई हैव गॉट 2 more dives, एंड येट ही स्टिल वेंट ऑन। 11 dives later, he stood on the podium with a gold medal in his hand, earning a victory point by a margin of 25 points. And वो भी विजुअलाइजेशन, वो देखते हैं मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मुझे ये वाला पोडियम। His visualization practice allowed him to stay composed and 1 minute and execute his dives with precision. Despite a potentially career-ending injury, his mental preparation enabled him to overcome the challenge and will win gold medal in both the 3-meter springboard and the 10-meter platform event. विराट कोहली, अगर आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंने सबको नहीं लिया है, विराट कोहली जर्नी टू बिकमिंग अ क्रिकेटिंग लेजेंड इज मार्क्ड बाय इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग। दिस गाय इज सो एक्टिव फिजिकल ट्रेनिंग, बट मेंटल टफनेस एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम। विजुअलाइजेशन हैज बीन सिग्निफिकेंट पार्ट, उन्होंने कहा है, एडमिट किया है, पार्ट ऑफ हिज मेंटल प्रिपरेशन, हेल्पिंग हिम टू स्टे फोकस्ड, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्म अंडर प्रेशर। द डू और डाई, अभी T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा, टिल द फाइनल ही वॉज नॉट डूइंग गुड। कितना प्रेशर आ जाएगा जी, एंड यू आर सच अ ग्रेट परफॉर्मर, और आप परफॉर्म नहीं करो, परफॉर्म नहीं कर रहे हो, फिर भी राहुल द्रविड़ ने कहा नो यू कंटिन्यू, आई नो यू विल क्लिक एट द राइट मोमेंट। द डू और डाई गेम फॉर इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2016 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया नीडेड अ चेस 161 रन टू रीच द सेमीफाइनल्स। कोहली वॉक्ड इन टू बैट अंडर इमेंस प्रेशर, हमारा कंडीशन ठीक नहीं था। कोहली स्कोर्ड एन अनबीटन 82 ऑफ 51 बॉल्स, लीडिंग इंडिया टू अ मेमोरेबल विक्ट्री, एंड देन वी गॉट इन टू द फाइनल, बट फाइनली वी कुडंट विन द फाइनल। उसेन बोल्ट, उसका कोट है, वर्ल्ड फास्टेस्ट एथलीट ऑन प्लैनेट अर्थ, द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यूज्ड विजुअलाइजेशन टू प्रिपेयर फॉर हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेसेस। बोल्ट वुड विजुअलाइज हिमसेल्फ रनिंग द रेस, फोकसिंग ऑन हिज फॉर्म, द क्राउड एंड द फिनिश लाइन। दिस मेंटल प्रिपरेशन हेल्प्ड हिम टू स्टे काम एंड फोकस ड्यूरिंग हिज रेसेस। हिज मेंटल प्रिपरेशन हेल्प्ड हिम टू स्टे काम एंड फोकस ड्यूरिंग हिज रेसेस, सॉरी, आफ्टर ब्रेकिंग द 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ टाइम ऑफ 9.58 seconds इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। Usain Bolt was quoted as saying, "I just visualized it and then executed my plan. This is the world record." इससे क्या होता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक से आपका फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, आपका मोटिवेशन लेवल, बिलीफ सिस्टम अच्छा होता है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, नेगेटिव सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, आपको सोचना पड़ेगा वैसे, मेंटेन अ पीक फॉर्म। ऐसा नहीं होता है कि प्रैक्टिस में तो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन कंपटीशन का जो स्ट्रेस होता है फिर आपका नीचे हो जाता है। रिकवरी बहुत फास्ट होता है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन फॉर विनिंग। इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम 3 अलग अलग सिचुएशन के विजुअलाइजेशन टेक्निक करेंगे। पहला स्टेप है रिलैक्सेशन एंड प्रिपरेशन। आप भाई बहनों से भी एक निवेदन है, जब आप मेडिटेशन कराएं तो सीधे पहला स्टेटमेंट मैं आत्मा विकृति के बीच नहीं कराई। अरे वो बेचारा कहाँ आत्मा बिंदु नहीं समझ में आएगा उसको। फर्स्ट टेक 2-3 मिनट्स, उसको कूलिंग डाउन कह सकते हैं। तो उन मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको किसी और को करा रहे हैं तो ताकि वो घर में करें, फाइंड अ क्वाइट स्पेस, एंश्योर यू आर इन अ क्वाइट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट वेयर यू वॉन्ट बी डिस्टर्ब। हाँ, हम योगी तपस्वी हैं, कितना आवाज आ रहा है, हम गीत बजा के कर रहे हैं वो चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में
उनको बोलो एनवायरनमेंट, अब उनको लगेगा कि हम योग कर रहे हैं, क्योंकि आप दुनिया के कितना भी योगा को देख लो वो बोलेंगे अपना क्या बोलते हैं ट्रैक पैंट पहन कर आओ, योगा मैट ले कर आओ, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, उनको लगता है वो कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर टू मतलब सेकेंड स्टेप ऑफ रिलैक्सेशन, उनको रिलैक्स करने को बोलो, डीप ब्रीथ लो, पूरा ध्यान मन की एकाग्रता पूरे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट पे करो, आप अपने मसल्स के ऊपर ध्यान दो, रिलैक्स हो रहा है टोज, थाइस, वेस्ट, चेस्ट, शोल्डर, सब रिलैक्स हो रहा है। उनको लिटा भी सकते हैं आप आइदर वे। आप पता है हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर के संकल्पों से उनको प्रेजेंट में लेकर, उनका पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। आप ओम की ध्वनि भी लगवा सकते हो उनसे, या कोई म्यूजिक बजाकर उनको बोलो पूरा म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट, बहुत सूदिंग म्यूजिक हम लोग करेंगे अभी। देन क्लियर योर माइंड, हाँ अब ये क्लियर हो रहा है, मैं पास्ट की नहीं सोच रहा हूँ, फ्यूचर की नहीं सोच रहा हूँ, आजू बाजू वाले की नहीं सोच रहा हूँ, आई एम ग्राउंडिंग लेवल पर आ रहा हूँ। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग टू क्लियर योर माइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेस। अगर मन इधर उधर जा रहा है उनको बोलो वापस आने, मे बी यू कैन डू इट फॉर 5 मिनट्स। कहाँ जा रहा है मन, वापस ले करो, कहाँ जा रहा है मन, वापस ले करो। उनको लग रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं, सीधे कॉमेंट्री आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू लुक एट द ऑडियंस, कौन से ऑडियंस को आप करा रहे हैं। ऑलरेडी वो मेडिटेशन करते हैं, वो स्पिरिचुअल हैं, बीके ऑडियंस के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर समबडी हु इज वेरी न्यू टू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अब वो हो गया, उनका मन शांत हो गया, इधर उधर की बातों से हट गया, वो प्रेजेंट में। अब उनको बोलो विनिंग के लिए सिर्फ ये, ठीक है आप जीतना है कोई टूर्नामेंट, अब विजुअलाइज द टूर्नामेंट एनवायरमेंट। बाबा बोलते ना सतयुग को देखो, सोने के महल, प्रकृति की सौंदर्य, देवी देवताएं, इतने सुंदर पक्षियां, ब्रह्मा भोजन, पुष्पक विमान, पिक्चर द टूर्नामेंट वेन्यू इन डिटेल, या फोटो निकाल लो या एक दिन पहले जाकर आ जाओ, इमेजिन द फील्ड, कोर्ट, अरीना वेयर द इवेंट विल टेक प्लेस, जाके देखो, इंक्लूड एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल एज द ऑडियंस लाइटिंग एंड एटमोस्फियर, इनकॉर्पोरेट योर सेंसेस, एंगेज ऑल योर सेंसेस, फील करने के लिए बहुत जरूरी है। आप गुलाब जामुन, भाई साहब ने कहा ना विजय भाई ने, नींबू खा रहे हैं आपके मुख से लार टपक रहा है जी, एंगेज करना है, एंगेज ऑल योर सेंसेस इन द विजुअलाइज, इमेजिन द साउंड्स ऑफ द क्राउड, द स्मेल ऑफ द फील्ड, और कोट द फील ऑफ योर इक्विपमेंट। मान लो आप जैसे लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस का बैट को फील करो, उसके ऊपर आपने कोई सॉफ्ट कवर चढ़ाया है, स्ट्रिंग्स, कलर कितना बड़ा है, साइज है, ग्रीन जो टेनिस बॉल है उसको फील करो, सबको करना बहुत जरूरी है, हम करेंगे अभी। नंबर थ्री, विजुअलाइज योर परफॉर्मेंस, पहले आपने मन को रिलैक्स कर दिया, आपने एनवायरनमेंट को देख लिया, अब आप अपने आप को देख रहे हो, अपने परफॉर्मेंस को देख रहे हो, तो क्या करना है उसमें, यू हैव टू विजुअलाइज योर सेल्फ इन की मोमेंट्स ऑफ द टूर्नामेंट, विजुअलाइज योर सेल्फ परफॉर्मिंग एट योर बेस्ट इन वेरियस सिचुएशन सच एज स्टार्टिंग द गेम, मेकिंग क्रूशियल प्लेज एंड फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग। क्रिकेट है मान लीजिए, आप जा रहे हो खेलने के लिए, आपको गेंद अच्छी तरह नजर आ रही है, यू आर एबल टू हिट द बॉल बिटवीन द प्लेयर्स, फील करो उसको, फोकस ऑन टेक्निक्स, विजुअलाइज योर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग योर टेक्निक्स परफेक्टली, पिक्चर योर सेल्फ मूविंग फ्लूइडली, आप रनिंग द बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छा है, या आप स्मैश बहुत अच्छा मार रहे हो, या आप स्मैश को बहुत अच्छा उठा रहे हो, या आप बॉस बॉल को पॉकेट कर पा रहे हो, जो भी इवेंट है उसके हिसाब से मेकिंग वेरी वंडरफुल मूवमेंट्स एंड यूजिंग योर स्किल्स इफेक्टिवली। आप सोचोगे ना आपको वैसा ही आपका हैंड मूवमेंट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि द ब्रेन के नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एज फार एज मूवमेंट इमेजिनरी एज वेल एज रियल। विजुअलाइज योर परफॉर्मेंस में विजुअलाइज ओवरकमिंग चैलेंजेस, इमेजिन पोटेंशियल चैलेंजेस यू माइट फेस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एंड विजुअलाइज योर सेल्फ ओवरकमिंग। जैसे माइकल फेल्प्स का पानी भर गया था, उसने विजुअलाइज किया नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप थक रहे हो, आप विजुअलाइज करो, मान लो ओपोनेंट बहुत अच्छा खिलाड़ी और आप थक रहे हो, लेकिन थकान में भी आपने थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पिया, 5 मिनट के ब्रेक में मैं वैसा ही फिट हूं जैसे मैंने स्टार्टिंग 1 घंटा पहले शुरू किया था, ठीक है। नंबर फोर, आपने 3 चीजें कर ली, आपने मन को रिलैक्स कर लिया, आपने एनवायरमेंट को स्कैन कर लिया, आपने परफॉर्मेंस को विजुअलाइज कर लिया, अब अच्छी तरह बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बाबा स्वमान कहता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यूज पॉजिटिव अफर्मेशन टू रीइंफोर्स योर विजुअलाइजेशन, एंड आई एम प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट, आई परफॉर्म एट माय बेस्ट अंडर प्रेशर, आई एम अ विनर। ये विजुअलाइजेशन का फोर्थ स्टेप है, आप कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको बहुत कॉन्शियसली ये विचार भी लेकर आना जरूरी है, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स,
Whenever negative thoughts come about the tournament arises, consciously replace them with positive and empowering thought. यहाँ राजयोग मेडिटेशन, फिर यहाँ आप राजयोग का भी बता सकते हैं, आप आत्मा हो, शांत हो, शरीर एक रोल है, शरीर से ये मेरा परफॉर्मेंस है, वहां थोड़ा सा ड्रामा का कंसेप्ट बता सकते हो, ठीक है ना, भगवान की मदद है मेरे साथ नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करने के लिए, रिफर्ड थॉट्स क्रिएट करने के लिए. जैसे लास्ट फिफ्थ, पहले आपने मन को बाकी बातों से हटा दिया, एनवायरमेंट को आपने स्कैन कर लिया, एंगेज कर लिया अपने सेंसेस को, अपने परफॉर्मेंस को देख लिया कैसे आप चाहते हो, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन लिया है, एंड नाउ व्हाट यू एक्चुअली वांट, सेट अ क्लियर गोल, चाहते क्या हो, मैं मैच जीत रहा हूँ या मेरा रिकॉर्ड टाइमिंग, मान लो कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए टाइमिंग इतना होना चाहिए, मेरा कम है, वो टाइमिंग को बहुत देखना जरूरी है, उतने में मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड इतनी अच्छी है या मेरा स्टैमिना बहुत अच्छा है, मैं 2 घंटे तक रनिंग कर सकता हूँ, सपोज इफ आई एम अ मैराथन प्लेयर, स्पीड मेरा कितना अच्छा है, जो भी हमारा गोल्स है, अलग अलग गोल्स हो सकता है, मैं जल्दी रिकवर कर जाता हूँ, मैं बहुत लंबा खेल सकता हूँ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी. डिटेल्ड विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, आप स्कोर बोर्ड को देखो, रिएक्शन फॉर द ऑडियंस देखो, खुद खुश हो रहे हो, आप स्कोर बोर्ड देखो, जो भी आप गोल से रिलेटेड, आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, आपको आपके स्कूल वाले या आपका एकेडमी वाले आपको ऑनर कर रहे हैं, वो करना बहुत जरूरी है. एंड तीसरा, सेलिब्रेट करो, फ्रेंड्स को दिखा रहे हो, आपको पार्टी आप दे रहे हो खुशी में, यू आर फीलिंग जॉय, यू आर फीलिंग प्राइड ऑफ अचीविंग द गोल, यू आर फीलिंग गुड, सब आपको पीठ थपथपा रहे हैं, सब आप, आपका कोच ने आपको उठा लिया है, गले लगा लिया है. आपने देखा होगा ना, T20 वर्ल्ड कप जब जीते थे तो कितना लोगों ने एंजॉय किया, यू आर होल्डिंग द कप, फोटोग्राफ खींच रहे हैं, आपको बड़े ओकेजन में सम्मानित किया जा रहा है, वट एवर लिटिल लिटिल आप देखो, आपके फैमिली में लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है. एंड द लास्ट वन, यू हैव टू इंटीग्रेट विजुअलाइजेशन इनटू डेली रूटीन. ये जो प्रोसेस है 5 स्टेप, 1 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, बार बार करना बहुत जरूरी. और उसके लिए आप बोल सकते हैं, आप हमारे सेवा केंद्र में आइए, हम आपको कराएंगे, हर दिन कराएंगे, जो भी खिलाड़ी खेल से रिलेटेड, वो बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, जो भी हॉकी है, और वो हमारा ये जो ब्रह्मा कुमारी इसका जो अपना जो स्पोर्ट्स विंग का टीम है, उनके साथ जो भी बड़े हैं, जैसे बसंता बहन है, जगबीर भाई है, जिनको जरा अनुभव है, या जो भी और भी हैं, बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे रमेश नागपुरी सर हैं एथलेटिक्स के हैं, तो उनके साथ थोड़ा चर्चा करिए, आप खुद ढूंढिए क्या स्टेप्स हो सकता है, विजुअलाइजेशन के 6 स्टेप्स कैसे बनाओ, स्टार्टिंग पॉइंट है, दौड़ रहा हूँ, थोड़ा आपको भी क्रिएटिव होना, बाबा मदद करता है, हम लोग भी आपको मदद करेंगे, ठीक है. यूज विजुअलाइजेशन बिफोर कॉम्पिटिशन तो 100% करना बहुत जरूरी है, प्रायर मान लो कल मेरा मैच है तो आज करना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिशन के पहले आप देखो, जैसे आप सोचेंगे आपका बॉडी वैसा ही, ब्रेन वैसा ही काम करना शुरू करेगा. धन्यवाद, 9 बज गए हैं, हम आपका 15 मिनट और लेते हैं, मैं आपको 3 मेडिटेशन कराऊंगा, ठीक है, 3 मिनट. इसमें एक सवाल है बोलिए. रिजवी, हाँ, कौन पूछ रहे हैं देखो बताइए. सुमित भाई बैंगलोर से। अरे सुमित भाई, अच्छा, आप वीडियो तो ऑन करिए. हाँ वीडियो ऑन है। वाह वाह वाह, हाँ अभी सुमित भाई देख लिया, सॉरी सॉरी, मैं शेयरिंग में. ओके, बोलिए यार, सच अ स्वीट, बोलिए. सो माय क्वेश्चन इज कि जब हम विजुलाइज करते हैं ऑल दीस 5 टेक्निक, ओके, सो ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो करके वो मेमोरी डेवलप करता है कि व्हेन यू आर स्विमिंग, सो सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तो उस नेगेटिव सिचुएशन में और सरकमस्टेंस में इट गोना हेल्प यू, वन थिंग। सेकंड, दिस इज माय परसेप्शन और ट्रू आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि जब आप ऐसा विजुलाइजेशन कर रहे हैं सो दोज वाइब्रेशन गो इनटू द नेचर, वो भी है, एंड नेचर मल्टीप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कम बैक टू क्रिएट अ सिचुएशन एंड यू पुट इनटू देयर सो दैट यू परफॉर्म। भाई साहब, आपका जो शरीर है ना, वो भी नेचर ही है, द नेचर विल मैनिफेस्ट एंड रीअरेंज फॉर हु यू आर, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और आत्मा, ये तीनों अगर इन लाइन है आपका स्वरूप में है, मैं विजयी आत्मा हूं,
संकल्प में भी है, सबकॉन्शियस में भी है, और आत्मा विजयी शांत स्वरूप विजयी स्वरूप, वो तीनों अगर है फिर कुछ भी करिए, खेल खेलिए, माया के साथ लड़ाई करिए, हर चीज में विजय आ जाएंगे। आपका शरीर, आपके मुख से मीठे बोल, मुस्कुराहट, माया मुझे अटैक कर रही है, आज बाबा ने कहा चेहरा मुस्कुराते हुए, मेरे को करना नहीं पड़ेगा। पहले तो परिस्थिति देखा, घबराया, मैं आज बाबा ने मुरली में फिर मुस्कुरा रहा हूँ। ये तो स्मृति के आधार पर आप जो बोल रहे हैं वो नेचुरल आ जाना चाहिए, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड अटेंशन। लेकिन आप कह रहे बिल्कुल करेक्ट है, प्रकृति, परिस्थिति, वातावरण, लोग आपकी एनर्जी के अनुरूप चेंज होना शुरू कर जाएंगे 100%। बट यू आपने यू रेज अ वेरी गुड पॉइंट, मैं इस चीज का ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, बिकॉज़ दिस बॉडी इज आल्सो अ नेचर, तो इट्स नॉट ओनली द एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर कैन आल्सो मल्टीप्लाई एंड हेल्प यू एट द सेम टाइम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली 100%। ओके, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। करेक्ट। गिरीश भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्लीज प्लीज, वन पर वन फ्री। जब भी हम ऐसे विजुलाइज करते हैं तो इन एडिशन टू विनिंग और सक्सेस, इन केस ऑफ फेलियर व्हाट शुड बी अ पॉजिटिव अप्रोच, वो भी मुझे कर लेना चाहिए ना। करेक्ट, मैं आपको बताऊंगा। I will do three meditation. One is for winning, the other is for rehabilitation, injury, and the third one is if I'm making mistakes, failure, disappointment, frustration ko overcome karne ke liye. Main tino aapko meditation karaunga. Ek cheez main batana chahta hu, visualization is not magical thinking. Kuch karu nahi aur main vijayi atma hu nahi hoga. Theek hai? Kis? Hello? Sunai de raha hai? हाँ, किसी आत्मा के लिए बुरा सोचो तो नहीं होगा। सो उसके कुछ ये हैं, लिमिटेशंस हैं, वो कभी और चर्चा करेंगे, आज इतना समय नहीं है। क्या क्या मिथ है ये सब, कि मैं बस बैठ करके मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स मिल जाए और भी बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे मिल जाऊं, पढ़ू नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये बिना किए पढ़ो भी नहीं और सोचो भी नहीं, जितने कम मार्क्स मिले उससे थोड़ा अच्छा मिल सकता है, लेकिन बहुत विजय नहीं हो सकते, ठीक है ना। बस सोचूं 100 में 100 मिल जाए तो नहीं हो सकता, 5-10 मार्क्स मिल जाएंगे आपका अपना बुद्धि के अनुसार। चलो हम लोग करते हैं पहला इमेजिनेशन ऑन ओवरकमिंग फेलियर से ही शुरू करते हैं। भाई साहब ने जैसे कहा, अगर मैं हार रहा हूं तो उसके लिए हमें हाँ, बस आप मुझ मैंने इसके ना फाइल्स थोड़े हेवी हो गए थे ना, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको अलग अलग बनाया है। ये सब प्रेजेंटेशन हम वसंता बहन को शेयर कर देंगे, आपको चाहिए हो तो आप फिर वसंता बहन से या फिर हाँ जी ग्रुप में शेयर करेंगे। जी 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 दीदी, एक मिनट। हाँ, ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। क्या है ना, इसमें मैंने बहुत सारे इमेजेस यूज किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा हेवी हो जा रहा था, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग, क्योंकि एक ही फाइल में नहीं हो रहा था वो बहुत, फिर ठीक है। सो वी स्टार्ट विजुअलाइजेशन टू ओवरकम फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। आप इसको एज अ थर्ड पर्सन भी देख सकते हैं, समबडी इज इन, मतलब वो नहीं कर पाया है और वो कर रहा है, मैंने वैसे बनाया। आप अपने आप को भी विजुअलाइज कर लीजिए, आप सोचिए कि मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, ये मेरा है, मैंने कुछ अच्छा नहीं, मैं सिचुएशन भी बताऊंगा और आई एम डूइंग इट। आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी सोचिए कि कोई हमारे सामने ऑडियंस बैठा है, उनमें से कुछ बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और वो उसको कर रहे हैं। आइदर वे यू कैन डू इट, ठीक है। रेडी, थोड़ा हल्के होकर के बैठे। सो लेट मी गिव यू अ सिनेरियो। राहुल इज अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड हैज मिस्ड सेवरल क्रूशियल फ्री थ्रोज, या पॉकेट नहीं कर पाया, सिंपल आप लोगों की भाषा में, इन द लास्ट गेम, leading to his team's defeat, he feels disappointed and anxious about future games. अब उसको लग रहा है कि यार पिछला गेम तो हम हार गए, आगे क्या पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा मन से हताश है, मायूस है, उदास है, कर रहा है प्रैक्टिस, लेकिन उसको लग रहा है कि पिछला मैच तो खराब हो गया, अब मैं क्या करूं। नॉर्मल, हर व्यक्ति को होता है, किसी भी कार्य में सफलता ना मिले या मेरी वजह से हार हो जाए तो क्या करूं। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। वी विल डू ओनली 4-5 मिनट्स एंड देन विल डू, आपको अगर टाइम होगा तो वी विल डू द रेस्ट टू, नहीं तो फिर कभी और भी कर लेंगे। सबको म्यूजिक सुनाई दे रहा है? म्यूजिक
म्यूजिक नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ म्यूजिक नहीं आ रहा म्यूजिक चलो छोड़ो, मेरे को म्यूजिक आ रहा है, ठीक है वो म्यूजिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है चलिए। प्लीज विजुअलाइज योर सेल्फ सिटिंग इन अ क्वाइट रूम। मैंने ये थर्ड पर्सन लिया है, सो राहुल सिट्स कंफर्टेबली एंड टेक्स डीप ब्रेथ्स टू रिलैक्स। गहरी श्वास लें और रिलीज करें। देखें अपने आप को, मैं बैठा हूं अच्छे से कमरे में और अपना पूरा ध्यान शरीर के अंगों पर फोकस कर। पास्ट फ्यूचर के हर विचारों से अपने आप को विथड्रॉ कर। मैं अपने फेलियर की घटनाओं को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट द मिस थ्रोज, एक्नॉलेजिंग माई डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। इट्स ओके, इट्स क्वाइट नेचुरल। जो हम चाहते हैं जीवन में वो नहीं होता है तो बुरा तो लगता है, ये स्वाभाविक है। टू फील लाइक दिस, शायद मेरे टीम मेंबर्स मुझसे नाराज होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इट इज ओके इफ आई एम थिंकिंग लाइक दिस। काश मैंने ऐसे किया होता तो शायद रिजल्ट ऐसा नहीं होता। दिस इज ऑल्सो नेचुरल। वट आई वॉज फीलिंग, इट इज ओके, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इट इज ओके टू फील लिटिल बैड इनिशियली, बट इट शुड बी मोमेंट्री। बट आई नाउ विल विजुअलाइज पॉजिटिविटी। मैं वही गेम को देख रहा हूं, लेकिन अब मेरा परफॉर्मेंस डिफरेंट है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रहा हूं। मेरा वो जो फ्री थ्रो है वो पॉकेट के अंदर जा रहा है। मेरा बॉडी पोस्चर, हैंड मूवमेंट, मन की स्थिति, बॉडी का रिस्पॉन्सेस, द थ्रोज, जो मेरे कोचेस ने मुझे सही टेक्निक बताया है, द बैलेंस ऑफ द बॉडी, द लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन, वो सब बहुत अच्छा है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बॉल को बास्केट में पॉकेट कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हो रहा हूं। आई एम फीलिंग गुड। इट इज इजी फॉर मी टू पॉकेट द बॉल। इमेजिन करें उस बॉल को आपने उठाया है, क्राउड आपकी प्रशंसा में खड़े होकर के तालियां बजा रहा है, आपको सिर्फ वो बास्केट दिखाई दे रहा है, लोगों की तालियां, गड़गड़ाहट, आपके ऊपर उनका भरोसा क्योंकि आप इतने अच्छे खिलाड़ी। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। आई एम टेकिंग अ डीप ब्रेथ, फोकसिंग ऑन टू द बास्केट एंड मेकिंग द थ्रोज एफर्टलेसली। बहुत आसान है मुझे पॉइंट्स जीतना। मेरे टीम मेंबर्स मुझ पे गर्व महसूस कर रहे हैं। दे आर हैप्पी दैट आई एम वन ऑफ द टीम मेंबर्स। आई फील जॉय एंड प्राइड इन हेल्पिंग माई टीम विन। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। कोच मुझे बहुत गर्व की दृष्टि से देख रहे हैं, मुझे और मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे देखकर मेरे टीम मेंबर्स और खुश हो रहे हैं। यस आई एम अ स्किल्ड फ्री थ्रो शूटर।
आई लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस. पिछली बार जो हुआ वो शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए हुआ था. मैं एक नया गोल सेट कर रहा हूं. फ्री थ्रो एक्यूरेसी मेरा बहुत अच्छा होगा. जब भी मैं फ्री थ्रोज लूं 100% वो पॉकेट के अंदर ही जा रहा. देख ही अपने आप को, आई एम थ्रोइंग इट इन अ मैच एंड आई एम फीलिंग प्राउड. कितना भी डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल मैच हो, मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी है. धीरे से अपना पूरा ध्यान श्वास पे लेकर आएं. थैंक यू बाबा. अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे में लगाएं. किया सभी ने, किया स्क्रीन पे दिखा. यस स्क्रीन पे दिखा भाई साहब. हाँ दिखा. वेरी अच्छा गुड. हाँ, पढ़ाई में फेलियर, जीवन में फेलियर कर सकते हैं. ठीक है. बसंता बहन एक और लूं कि 9:15 हो गया. ले सकते हैं, फैंटास्टिक. सभी बैठे हैं. जी 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 चलो अभी मैं दूसरा एक लेता हूँ. ठीक है. वैसे तो मैंने 3 बनाया था, विजुअलाइजेशन फॉर रिहैबिलिटेशन, इसको करते हैं. अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए. नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा लीजिएगा कि सत्य में हम लोग बैठ के राजा महाराजा की तरह. क्या राजा वाला? राजा वाला लेना है. ठीक है, वो भी कर सकते हैं. अभी हमने कराया था ज्ञान सरोवर में राजाओं वाला, सतयुगी राज कराने वाला. ठीक है, चलिए अभी ये रिहैबिलिटेशन वाला कराता हूँ. चलिए, विजुअलाइजेशन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी. ठीक है. अ फुटबॉल प्लेयर नेम्ड अर्जुन हैज सफर्ड अ नी इंजरी एंड इज अंडरगोइंग रिहैबिलिटेशन. ही इज एंग्शियस अबाउट हिज रिकवरी एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स. खेल नहीं पा रहा है, ग्राउंड में नहीं जा पा रहा है, डॉक्टर ने मना किया है, उसको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं होता था तो कितना अच्छा होता था, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं फिर वापस आ पाऊंगा. बहुत सारे मन के विचार आते हैं. शुरू करें. चलिए हल्के हो करके आराम से कमरे में बैठें और चेयर में बैठें. द पिक्चर इज गहरी श्वास लेकर के बाकी सब बातों से अपने मन को हटा दें. विजुअलाइज करें हीलिंग प्रोसेस को. पूरा ध्यान और एकाग्रता घुटनों के ऊपर. बहुत एकाग्रता से टिश्यूज, इन्फ्लेमेशन, हड्डियां, मसल्स, टेंडेंस, जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं उसको देखो, हाथ लगाओ, वो सब कम होता जा रहा है. आई हैव द पावर टू हील. अब चेहरे में वो मुस्कुराहट लेकर आए, मैं जल्दी ठीक हो रहा हूं. रिपेयर टिश्यूज हील होते जा रहे हैं, जो भी सूजन है वो ठीक होता जा रहा है. मेरे सेल्स, न्यू सेल्स रीजनरेट होते जा रहे हैं. थाई मसल्स, काफ मसल्स और नीज में जो मसल्स उसको स्ट्रॉन्ग बनाने हैं वो स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर होता जा रहा है. अच्छी तरह विजुअलाइज करें, घुटनों को देखें जो स्क्रीन में दिख रहा है. वाह,
माई एंटायर बॉडी इज बिकमिंग स्ट्रांग एंड स्पेशली जो इंजरी है वो जल्दी हील हो रहा है एंड आई हैव टू रिपीट दिस अफर्मेशन माई नी इज हीलिंग फास्ट एंड आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर आई एम एबल टू रन एंड प्ले फुटबॉल एज आई वॉज डूइंग बिफोर द इंजरी देखिए मैं वापस फील्ड में जा रहा हूं दौड़ रहा हूं अच्छी तरह बॉल को किक कर पा रहा हूं और मैं खुश हो रहा हूं मैं वो सब कर पा रहा हूं जो मैं पहले करता था आई इमेजिन अ सूदिंग लाइट एनवेलपिंग माय नीज परमात्मा से किरणें आ रही हैं मेरे घुटने में आ रही हैं और वो पूरे पेन को कम और डिस्कम्फर्ट खत्म होता जा रहा है घुटनों की शक्ति बढ़ती जा रही है माय एंटायर बॉडी इज गेटिंग रिजुविनेटेड विथ पावर आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी विजुअलाइज अ फ्यूचर एक्टिविटी और मैं अपना एक विजन क्रिएट कर रहा हूं कि आई एम रिटर्निंग टू द फुटबॉल ग्राउंड एंड आई एम प्लेइंग पेन फ्री आई एम प्लेइंग मैचेस माई परफॉर्मेंस इज मच मोर बेटर दैन बिफोर एंड आई डोंट हैव एनी डिस्कम्फर्ट कोई पेन नहीं है कोई तकलीफ नहीं है द सेम पैर और सेम फुट I am visualizing, running, kicking the ball and playing confidently without any pain or discomfort. I feel the joy and pride of returning to the sports I love. Bhagwan ka, coaches ka, doctors ka, hamare team members ka, sab ka dil se dhanyavaad. Dheere se gehri shwaas lein. उसी गुड फीलिंग में बैठते हुए गहरी श्वास लें छोड़ें दोनों हाथ को रख करें पूरे चेहरे में लगाएं ठीक है डन आपको मैं लास्ट वाला भी ये करा देता हूं ओ सॉरी दिस इज फॉर विनिंग Did you have any questions? We will take up any questions. Just a minute. Chaliye, last karte hain visualization for winning. We'll take another 2-3 minutes. Main bahut fast fast kara raha hu because we should not lose time. Theek hai? Okay, here we start. Priya is a tennis player and is preparing for an important state level tournament. She wants to use visualization to enhance her performance and increase her chances of winning. So, jo bhi परफॉर्मेंस स्ट्रेस होता है ठीक है ना तो वो एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करना है थ्रू विजुअलाइजेशन बिफोर यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ टूर्नामेंट और अ मैच शुरू करते हैं सो आई एम सिटिंग इन अ क्वाइट रूम कंफर्टेबली एंड टेक डीप ब्रीथ टू रिलैक्स स्वयं को देखें मैं बहुत आराम की स्थिति में हूं मन एकदम शांत है रिलैक्स्ड है कंफर्टेबल सेकेंड स्टेप विजुअलाइज अ टूर्नामेंट एनवायरनमेंट प्लीज टेनिस कोर्ट को देखिए अरबी बच्चे ऑडियंस चारों तरफ बैठे हैं साउंड ऑफ द बॉल हिटिंग द रैकेट फील द कोर्ट अंडर योर फीट क्ले कोर्ट है ग्रास कोर्ट है कॉन्क्रीट है आपने जो शूज पहने हैं जो आपने ड्रेस पहना है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ फील करो अच्छी तरह देखो महसूस करो मेरे मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं मेरे कोच भी बैठे हुए हैं मेरे फ्रेंड्स भी मुझे चीयर करने के लिए बैठे हुए हैं अच्छी तरीके से एनवायरमेंट को विजुअलाइज करो
नाउ विजुअलाइज माई ओन परफॉर्मेंस. अब मैं बहुत परफेक्टली सर्व कर रही हूँ बॉल को, बहुत एक्यूरेट प्रिसाइज थॉट, नो अनफोर्स्ड एरर्स, एंड आई एम मूविंग कॉन्फिडेंटली इन द कोर्ट. मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्टैमिना है, स्पीड है, एजिलिटी है. लोग बहुत ताली बजा रहे हैं and I'm feeling happy playing such a fantastic game. I am staying calm and focused during intense rallies and crucial points. Challenging situation ko bhi main bahut achhi reeti se handle kar pa rahi hu. Agar ek point lose bhi ho jata hai, kahin error aa bhi jata hai, to bhi mera man shant. I am not getting disturbed. I am seeing myself playing the match in the best possible way. And I am repeating these affirmations. I am a strong and skilled player. I perform my best under pressure. I am successful. I can handle any pressure situation and come out as a winner. मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ एंड आई एम सेटिंग अ क्लियर गोल टू विन द टूर्नामेंट. और मैं वो फाइनल पॉइंट जीत रही हूँ एंड आई एम फीलिंग एक्साइटेड एंड आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई विक्ट्री. प्लीज देखिए वो कप मेरे हाथ में है. सारा स्टेडियम तालियां बजा रहा है. दे आर गिविंग मी अ स्टैंडिंग ओवेशन. सब खुश हो रहे हैं. मुझे बहुत खुशी की महसूसता हो रही है. पीपल आर गिविंग मी अ स्टैंडिंग ओवेशन. आई एम होल्डिंग द ट्रॉफी, रिसीविंग अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस. And my other teammates. I am feeling proud. Mom and dad bahut khush ho rahe hain. My teachers bahut khush ho rahe hain. And I'm feeling proud for myself and my country, my team, my sports academy. Thank you, God. Thank you, my well-wishers. Thank you, myself. Thanks, creative visualization. गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए. बहुत प्यार से सभी अपना वीडियो ऑन करके ओम शांति करिए. दोनों हाथ अच्छी तरह बंद करिए, पूरे चेहरे को लगाइए. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति भाई जी. क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकते हो? एक पूछ सकते हैं. बसंता बहन एक क्वेश्चन ले सकते हैं जी? प्लीज प्लीज. गिरीश भाई जी, मैं शैलेश भाई बात कर रहा हूँ विशाखापट्टनम से. बोलिए बोलिए भाई साहब. गिरीश भाई, इसमें दो बातें हैं. एक तो क्या है कि जो अपना रिहैबिलिटेशन का, रिकवरी का जो हम करते हैं, उसमें एक चीज का हमारे विजुलाइजेशन में किया होना चाहिए कि हम जब भी विजुलाइज करके उसको, अगर मान लीजिए आते हैं यानी अपने आप को यूज करते हैं बॉडी को, वी शुड बी कॉशियस कि बॉडी फुल्ली रिपेयर हुआ है कि नहीं, रिकवर हुआ कि नहीं. नहीं तो वो बॉडी के इंजुरी और बढ़ जाएगा. अगर मेंटली हम विजुलाइज करके हम एकदम दौड़ना चालू कर दिए या फुटबॉल को किक मार दिए, तो इट विल लीड टू अ मेजर. फैंटास्टिक, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, 100%. और दूसरा भाई जी, एक और है कि ये जो जो विनिंग का है, उसमें अगर हम मान लीजिए कि कर्म का फल का अगर हम ज्यादा विजुलाइज करते हैं और वो नहीं होता है, तो फिर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है. और बल्कि उसमें अगर हम टेक्निक, जो हमारा टेक्निक है, उसके ऊपर में ज्यादा हम विजुअलाइजेशन करें और ये करें कि चाहे ऑडियंस कुछ भी वहाँ पे हल्ला हो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि एक सर्टन हमारे ओपोनेंट को लोग शायद चीयर करते हो, हमारे को बू करते हो, तो ऐसे इसमें भी हम अपने टेक्निक पे पूरा फोकस रख पाए, वैसे विजुअलाइज करके अगर हम जाए तो ज्यादा. विजुअलाइजेशन टेक्निक सिर्फ करने से रिजल्ट नहीं आएगा, मेहनत भी करनी है,
आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होना चाहिए, टेक्निक भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, टैलेंट भी होना चाहिए, साथ में पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा देखा गया है शैलेश भाई, ये सब होते हुए भी अगर विजुअलाइजेशन ठीक नहीं है, मेंटल इमेजरी ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, इमेजरी ठीक नहीं है, बिलीफ ठीक नहीं है, तो व्यक्ति के हाँ अंदर दैट सब इज इट होता हुआ हार जाता है। सो करेक्ट दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क, टेक्निक एंड हैंडलिंग स्ट्रेस, इट इज एन एड ऑन टू एवरीथिंग। आपके जीवन में आप सिर्फ राज्यों का अभ्यास करिए और सारा दिन गुस्सा करिए, उससे नहीं होगा। धारणा भी करनी है, पुरुषार्थ भी कहना है, मेहनत भी करनी है, खुद पर परिवर्तन भी करना है और राजयोग से शक्ति लेना है, तो इजी हो जाएगा सफलता प्राप्त करना, माया पर जीत पाना। ठीक है, चलो थैंक यू। राइट ओम शांति थैंक यू हेलो अरबी बच्चे पूछो, है क्वेश्चन? सर वन क्वेश्चन इज देयर दिस इज फ्रॉम हैदराबाद योर नेम इज हैदराबाद, नो सर माय नेम इज साई कुमारी आई एम फ्रॉम हैदराबाद बोलिए आई साई वांट कुमारी बहन। जी आई वांटेड टू आस्क वन थिंग दिस कैन वी डू फॉर आवर डॉटर लाइक माय डॉटर इज स्टडीिंग इन स्कूल So she wanted to participate in karate. So she's actually a black belt, but she's very afraid of participating in यस, tournaments and all. हेल्प, So या इट विल हेल्प। help her. यू कैन ओवरकम फियर। फियर जनरली अगर बिलीफ लेवल पर आ गया है तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, राजयोग का मेडिटेशन विल डेफिनेटली हेल्प हर। और आप भी उसको कराइए बिठा करके, उसको बोल दो करने के लिए, वो शायद नहीं कर पाएगी, आप भी उसके साथ करिए, हैंड होल्डिंग करिए और करके फिर एक्चुअली ग्राउंड में भी लेकर जाइए, उसको दिखाइए, देखो किस बात का आपको डर है, थोड़ा उसके साथ बात करिए, क्या ऐसा कोई एक घटना घट गई है, ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से उसके अंदर डर हो गया है, देयर हैज टू बी सम रीजन। वो रीजन को आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करना पड़ेगा विद एन ऑल्टर्ड थॉट। यस, इट विल डेफिनेटली हेल्प योर डॉटर। थैंक ठीक है, यू या सर